तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि क्या सवाल पूछे गए और मनोहर फारूकी का क्या रहा रिएक्शन जब मीडिया ने उनसे पूछा। उन सभी जानकारी को लेके हम आ चुके हैं आपके पास। और सबसे पहले प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहां पे जो सवाल पूछे गए थे पुलिस द्वारा एलविश यादव से, उनके अंदर कुछ चीजें, कुछ अपडेट आ गई है निकल के, जहां पे उन्होंने एलविश यादव ने उनका कैसे किया सामना। तो पहला जो सवाल पूछा गया एलविश यादव से कि नोएडा के सेक्टर 51 रेप पार्टी की जानकारी थी, पहला सवाल पूछा गया एलविश यादव से, जिसमें एलविश यादव जानकारी देते हैं कि हां जानकारी थी, ऐसी पार्टियां होती रहती हैं। तो यहां पे उन्होंने उस बात पे मोहर लगाई कि हां जानकारी थी, जो रेप पार्टी हुई थी सेक्टर 51 में उसकी जानकारी थी और ऐसी पार्टियां होती रहती है, जो एलविश यादव ने कहा। दूसरा सवाल यहां पे पूछते हैं कि वहां पे के पार्टी में सांप मंगाए गए थे आपके, आपने भिजवाए थे जो सांप मंगाए थे वो, क्या एलविश यादव तुमने भिजवाए थे, तो सवाल पूछा गया। तो इसमें एलविश यादव जवाब देते हैं, रेप पार्टी में सांप लाए जाते हैं, सांप जहरीले नहीं होते, उनको गले में लटका कर इंजॉय किया जाता है, जैसे कि पिक्चर में भी दिख रहा है, जो उनके इंस्टा पे भी है कि वो गले में टाक के इंजॉय किया जाता है, ये एलविश यादव कहते हैं। यहां पे कुछ अगले सवाल भी उनसे पूछे जाते हैं कि पार्टी के लिए सांप का इंतजाम आपने किया था, जो इंतजाम करवाया था रेप पार्टी के अंदर सेक्टर 51 के अंदर, वो आपने करवाया था। तो उन्होंने जो जवाब दिया, जहां पे थोड़ा सा ये जो सवाल उन्होंने जो इस चीज का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि राहुल के कहने पर सपेरो से कनेक्शन करवाया था, उनके क्या बात हुई नहीं पता। यहां पे एलविश यादव ने कहा कि हां राहुल के कहने पर सपेरो से बातचीत करवाई थी, लेकिन उनका क्या होना था वो मुझे नहीं पता, जो एलविश यादव कह रहे हैं। यहां पर एक और चीज निकल के आती है कि 20 ml जो स्नैक का विलंब मिला था उसका पार्टी में क्या करना था, जो 20 ml मिला था जो लैब टेस्ट में भी गया था जयपुर में, वो जो 20 ml मिला था जिसपे सारी कड़ियां जुड़ के जो लगा के यहां पे कुछ गतिविधियां सही नहीं हो रही, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने एलविश से पूछा कि उसका क्या होना था 20 ml का। तो यहां पे एलविश यादव जो जवाब देते कि कुछ लोग नशे के तौर पर लेते हैं, उस स्नेक वेलम का क्या होना था मुझे नहीं पता, हां कुछ लोग लेते हैं उन्होंने ये हां भी भरी है, लेकिन उसका क्या होना था जो मिला है वो मुझे नहीं पता। तो एलविश यादव ने यह चीज का भी जवाब दिया। साथ के साथ उनसे पूछा गया पार्टी के आयोजकों को आप कैसे जानते हैं, जो इन्होंने इतनी बड़ी पार्टी करी वहां पे आप उन लोगों को कैसे जानते हैं। तो एलविश ने इसका भी जवाब दिया कि ऐसी ही पार्टियां, ऐसी किसी पार्टी में मुलाकात हुई थी वीडियो शूट के लिए, उनसे सांप मंगवाए थे, मतलब ऐसी किसी पार्टी में उनसे जानकारी हुई थी तो एक म्यूजिक वीडियो के लिए उनसे सांप मंगाए थे, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो ये कुछ चीजें सामने आ रही है कि जो एलविश यादव से सवाल पूछे गए उन सवालों का जवाब एलविश यादव ने इस प्रकार दिया। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं मनोहर फारूकी से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन चीजों पर उनके पास कोई अपडेट नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है, तो वो भी कह नहीं सकते, रमजान से थे। तो यहां पे है कि एलविश, मतलब जो एलविश यादव को लेके कुछ चीजें जो चल रही हैं और जिस हिसाब से उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो जब मनोहर फारूकी से पूछा मीडिया ने कि आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ना ही मेरे पास कोई अपडेट है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो यहां पर भी मनोहर फारूकी का यह जवाब सुनने को मिला। और जो चीजें सामने आ रही वो मुश्किलें बढ़ाती दिख रही हैं। बाकी फैंडम और चाहने वाले एलविश यादव से दिल से जान से बिल्कुल प्यार करते और हर एक जगह दिख भी रहा, उनके लिए ट्रेंड भी चल रहे हैं। तो चीज़ें जो सामने आ रही है वो अभी तक की यही है कि एलविश की मुश्किलें और थोड़ी बढ़ सकती हैं। आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और लिखें भी, और उसे देख के हम देखते हैं कि आगे इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी पूरी नज़र, और हम आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे।